ये मेरा बेटा गिलहरी के पीछे भाग गया है, भाग रहा है और पूछ रहा है बार बार कि तुम भाग गया, पूछ रहा है उससे तुम कहाँ जा रही हो, पूछा नहीं आपने कहाँ जा रहे हो? कहाँ गई? बच्चों की नौटंकी तो बच्चे ही जाने। वो आपको छोड़ के भाग गई। हाँ, छोड़ के भाग गई। तो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल ट्रेवलिंग भारत पर। मेरे YouTube चैनल पर पहले 100 सब्सक्राइबर बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम देखेंगे आगरा की एक और ऐसी ऐतिहासिक इमारत जो करीब करीब 500 साल पुरानी है और आगरा में स्थित है, जिसको हम आगरा लाल किले के नाम से जानते हैं। रात का मौसम है और आगरा किला देखने के लिए चलते हैं। चलिए चलते हैं आगरा लाल किला। तो बिना किसी देरी के हम पहुँच चुके हैं आगरा किला। आगरा किले के ठीक सामने है छत्रपति शिवाजी की मूर्ति और छत्रपति शिवाजी के ठीक सामने है आगरा किले का अमर शिवाजी गेट। अमर शिवाजी गेट की लेफ्ट साइड और राइट साइड आप देखेंगे कि दोनों एक जैसे लगेंगे आपको। अब हम चलेंगे आगे की ओर। अंदर की तरफ चलने से पहले मैं आपको दिखा दूं, आगरा किले के चारों तरफ इस तरह की खाई हैं, जो खाई करीब करीब इतनी चौड़ी है कि दो ट्रक एक साथ चल सकते हैं उस पर। यहाँ एंट्रेंस पर आपको टिकट चेक कराना होगा। कोरोना महामारी के बाद आपको ऑनलाइन टिकट लेकर यहाँ चेक कराना पड़ेगा। टिकट चेक कराने के बाद आप आ गए अंदर और अंदर की खूबसूरती देखने लायक होगी। मैं वीडियो में पूरी तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा ब्यूटी, क्योंकि ब्यूटी देखने के लिए आपको खुद आना पड़ेगा। और अंदर की ओर जो दीवारें हैं करीब करीब 40 से 42 फीट ऊंची हैं। बाहर की दीवारें करीब 30 से 32 फीट ऊँची थी, पर अंदर की दीवारें 40 से 42 फीट ऊँची हैं, जो किले को और मजबूत और शानदार बनाती हैं। ये देखिए आप, ये एंट्रेंस गेट है। इस एंट्रेंस गेट पार करने के बाद एक गेट और आएगा, जिसको हम अंदर जाएंगे तो हमें किला नज़र आएगा। ये वो गेट है, इसके आगे हम अंदर जाके देख सकते हैं। आगरा किले के बारे में कुछ ख़ास बातें आपको जाननी चाहिए, क्योंकि इस गेट को पार करने के बाद एक ख़ास किस्म का रास्ता आपको देखने को मिलेगा। जैसे जैसे हम फ्लोरिंग के नीचे की ओर देखेंगे, फ्लोरिंग पर रेड सैंडस्टोन बिछा हुआ है और रेड सैंडस्टोन पर सिंगल पीस में नहीं है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट पीस में बने हुए हैं। और रास्ते में आप देखेंगे ये पत्थर के ऊपर लाइनिंग जो आपको नज़र आ रही है, ये ग्रेपिंग है। जब आप चलें तो फिसले नहीं, आपके साथ साथ जब आप राजा महाराजा उस टाइम में घोड़े हाथी वगैरह से चला करते थे तो उनके पैर भी फिसले नहीं, उनकी ग्रिप बनाने के लिए रहते थे वो, इसलिए इनको उस टाइम में बनाया गया इस तरीके से। और इसमें अभी भी कोई चेंजिंग नहीं की गई है, आज भी वही स्थिति है। और इस गैलरी की ओर आप देखेंगे तो दोनों साइड में आपको दीवार नज़र आएगी, जो रोमन ब्रिक ककैया ईंट से बनी हुई है। और ख़ास बात इस दीवार की ये है, एक लेफ़्ट साइड वाली और एक राइट साइड वाली, क्योंकि एक दीवार के पीछे गर्म पानी के ड्रम रखा करते थे और एक दीवार के पीछे गर्म ऑयल। वो इसलिए कभी कोई दुश्मन सेना अगर आक्रमण कर दे तो पीछे से वो तेल और पानी के ड्रम लुढ़का दिए जाएँ, जिससे वो ये नालियों में से उनका तेल पानी निकले, और जब वो घोड़े या पैदल हाथी या कुछ भी चढ़ने की कोशिश कर रहे हों तो इतने चिकनाहट हो जाए कि वो गिर जाएँ, ऊपर की ओर चढ़े नहीं, और कैसे भी करके आक्रमण को रोका जा सके। और ऊपर से आप देखेंगे तो ढलान नुमा एक जगह है, जो कि नीचे से चढ़ाई है, ऊपर से ढलान नुमा है। ऊपर से वो कोई भी बड़ी चीज़ छोड़ दिया करते थे, मानो पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े या बड़े बड़े लकड़ी के जलते हुए रोल, जिससे दुश्मन सेना वहीं की वहीं रुक जाए या ऊपर आ भी जाए तो वहाँ से वो टकरा कर वो वापस लौट जाए, इसलिए इन रास्तों को बनाया गया था। ये है जहांगीर महल, अकबर के बेटे ने बनवाया था जहांगीर ने। और यहाँ का नायाब नज़ारा देखिए, ये सरफ। वाकई में आगरा किला बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है और काफ़ी बड़ा बिल्डिंग है, इसको एक बार में देख के मन नहीं भरेगा। और दिल्ली के किले से ज़्यादा खूबसूरत है और बड़ा भी है। ये है जहांगीर का बाथ टब, येलो सैंडस्टोन से बना हुआ है। और ये देखेंगे आप, जिसमें स्टेप्स लगे हुए हैं। बाहर की ओर है
तीन स्टेप, एक स्टेप टूट गया है और वही स्टेप दो अंदर की ओर है। देखिए अब कितना बड़ा है अंदर, ये बाहर रखा हुआ है अभी टाइम से, पहले किले के अंदर हुआ करता था, अब इसको बाहर कर दिया गया है टूरिस्ट को दिखाने के लिए। यहाँ हम सब शांति से बैठ कर पौना ढूंढते हैं, आजकल युवा पीढ़ी की सोच बन रही है कहीं पौना मिल जाए, पर हम इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, हम तो सिर्फ इसकी खूबसूरती देखेंगे। ये मेरा बेटा गिलहरी के पीछे भाग गया और भाग रहा है और पूछ रहा है बार बार कि तुम भाग गया, पूछ रहा है उससे तुम कहाँ जा रही हो, पूछा नहीं आपने कहाँ जा रहे हो, कहाँ गई, गई? बच्चों की नौटंकी तो बच्चे ही जाने, वो आपको छोड़ के भाग गई, हाँ छोड़ के भाग गई। ये है किले के जहांगीर महल की दीवार है और एक से खूबसूरत आर्च आप देख सकते हैं, रेड सैंडस्टोन और वाइट मार्बल का ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन है, बाहर दीवारों पर ये कार्विंग वर्क इसकी खूबसूरती को और बढ़ाता है। ये देखिए आप, ये हम जहांगीर महल के अंदर जा रहे हैं, ये देखिए आप, थोड़ा सा अंधेरा है, आप आ गए हैं जहांगीर महल के अंदर और यहाँ की मीनाकारी आप देखिएगा, कार्विंग वर्क अपने आप में बहुत ही खूबसूरत है और चारों साइड से एक जैसा देखने को मिलेगा। ऊपर जो छत्तियाँ देख रहे हैं, यहाँ से रानियाँ, राजकुमारियाँ और प्रमुख लोग बैठा करते थे ऊपर, और जो छोटे छोटे आले जो देख रहे हैं, यहाँ से दासियाँ बैठा करती थी और अंदर हो रहे नृत्य का, डांस का, प्रोग्राम का, किसी का आनंद लिया करती थी। ये कि छोटे आले जो हैं इसमें रानियाँ अंदर से देखा करती थी कार्यक्रम को। आज किले में बारिश हो रही है, अंदर आए हैं तो मुझे देखिए काफ़ी खूबसूरत नया तरीके से बनाया गया, कार्विंग वर्क बहुत है रेड सैंडस्टोन के ऊपर, अभी कई पत्थर जो है चेंज कर दिए गए हैं और जो दिखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। ASI का ये क्वालिटी है, जो जैसा मार्बल होता है उसको वहीं से रिपेयर कर देते हैं और नया फिक्स कर देते हैं, जिससे वो आइडिया भी नहीं ला सके कि नया लगाया या पुराना, पर नई चीज़ तो दिख जाती है पर कार्विंग वर्क में कहीं से भी कोई भी अंतर नहीं दिखाते। और यहाँ से हम दिखाएंगे ताजमहल का नज़ारा, पहले ये नालियों का जॉइंट है, उस टाइम में जैसे बोलते थे, जैसे आपके पीछे देखें सामने जी, ऊपर छत से या कहीं से भी कोई पानी आया करता था तो वाटर हार्वेस्टिंग भी बोल सकते हैं उस टाइम का, इसको सब पानी इसमें आके गिरता था और इकट्ठा होकर बाहर खाई में गिर जाता। ये देखिए अभी हम यहाँ से अंदर जाके देखेंगे ताजमहल, ये ताजमहल, और अभी हम उस जगह भी जाएंगे जहाँ देखा जाएगा, कहा जाता है जहाँ शाहजहाँ को कैद किया गया था वहाँ से वो ताजमहल को देखा करता था। अगर किला काफ़ी बड़ा है तो ये वीडियो भी काफ़ी बड़ा होने वाला है, तो कृपया करके वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको ताजमहल के अलावा किला भी खूबसूरत है उसके देखने का मज़ा आएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो
कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब हम पहुंच गए हैं कि उस जगह पर हैं जहां कहा जाता था कि काफ़ी सोना चांदी लगा हुआ था और मीनार का काम था, जिसको अंग्रेज निकाल कर ले गए। जो डिज़ाइन जो बनी हुई है फ्लावर वगैरह की डिज़ाइन लगी हुई है, कहा जाता है इन्हीं के ऊपर से जो स्टोन और जो गोल्ड लगा हुआ था उसके ऊपर से अंग्रेज जब शासन किया करते थे, भारत छोड़कर गए थे 1947 से पहले, वो उसको निकाल लिया था उसमें से। वो ऐसी दीवारें कई हैं जिस पर ऐसा काम हुआ था। ये देखिए आप, ये सब वही दीवारें हैं। यहाँ लाइट नहीं है तो आपको इधर क्लियर नज़र नहीं आएगा, पर जहाँ आपको क्लियर नज़र आ रहा है वहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ जो पूरा काम था। ये इंसान, क्योंकि चोर कितनी भी चोरी कर ले अपने इंसान छोड़ ही जाता है। ये देखिए, ये बिल्कुल प्लेन है, अभी प्लेन है, पहले जो हुआ करते थे तो वो उसके ऊपर मीनाकारी का ऊपर डिज़ाइन उभरा हुआ बनाया गया था, इसको ऊपर फिक्स किए गए थे स्टोन्स गोल्ड वगैरह जो भी था। आगरा किले का रोशन आरा जहानारा महल जो है, एक इस तरफ है एक उस तरफ है। ये कहा जाता है जो प्लास्टर पहले जिस पर हो रखा है वो रोशन आरा का है, और जिस पर मार्बल चढ़ा हुआ है वो जहानारा का है। और इसके हर कोने से आपको ताजमहल नज़र आएगा, वो भी आपको दिखा देते हैं कहाँ से आपको ताजमहल दिखेगा और शहर भी दिखेगा आपको। देखिए अंदर से चलते हैं, हाँ जी देखिए, ये रोशन आरा का महल था जहाँ उसको कमरा कह सकते हैं, महल तो काफ़ी बड़े होते हैं। रोशन आरा का पर्सनल जो रूम था वो यही था। देखिए आप, ये रोशन दान जो बने हुए हैं सब आली वगैरह रोशनी करने के लिए लाइट नहीं लगाया जाती। यहाँ से भी आप देख सकते हैं ताजमहल और कलकल बहती हुई जमुना नदी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं किले की दोनों तरफ की खाई, जो बाहर से आपको नज़र नहीं आई थी, एक तरफ जंगल है और दूसरी तरफ पानी भरने की जगह थी। कुछ बोला इसलिए यहाँ से जाता है जब कोई दूसरी सेना हमला कर दे तो वो ऊपर दीवार तक ना चढ़ पाए। पानी में रहते थे खतरनाक मगरमच्छ, और जो जंगल जो है हर तरफ है, ये देखिए आप वहाँ से लेकर वहाँ तक पूरे में जंगल है। इसमें खूंखार जानवर रहा करते थे, शेर चीता बकरे हाथी वगैरह, क्योंकि जानवर से बचकर भी वो ऊपर ना आ पाए। अगर पानी से बचकर अगर वो अंदर आ जाए तो जंगल से जानवर बचकर ऊपर ना आ पाए। दुकान पे जाएंगे आइसक्रीम खाने, हाँ ही चलेंगे। अच्छा अरे काम तो आइसक्रीम, आइसक्रीम खाने आए हो आप? आइसक्रीम कहाँ गए हो? आइसक्रीम वाला भी लाएंगे आइसक्रीम। किले पे लाल किले पे आए हो? ये है दीवाने खास, है बोला जाता है शाहजहाँ और मुमताज का कमरा हुआ करता था इसमें। तो अंदर से देखेंगे पूरा कैसे बना हुआ है। वैसे तो ये टोटली वाइट मार्बल से है, क्योंकि शाहजहाँ को वाइट मार्बल काफ़ी पसंद था, क्योंकि वो एक शांति प्रिय, कहते हैं शांति प्रिय राजाओं में से एक था। क्योंकि वाइट कलर सिंबल ऑफ पीस होता है, शांति का प्रतीक। ये पूरा उसी तरीके से बना हुआ है, ये देख सकते हैं पूरा वाइट मार्बल से। और इसी वाइट मार्बल को देखते हुए ताजमहल को भी उसने वाइट मार्बल से कवर कराया था। यहाँ से भी काफ़ी स्टोन्स निकाल लिए गए, ये आपको दिख रहे हो मिलेगा यहाँ से। ये देखिए पूरा ये काम जो हो रखा है, सारा जो ज़्यादातर जूल स्टोन जो निकाले गए अंग्रेजों के टाइम में वो यहीं से लिए गए। देखिए आप, पूरा मीनाकारी का काम था, जो वही स्टोन थे जो सेमी प्रेसिस रिंग्स वगैरह में आप यूज़ करते हैं, लेपिस लॉजुली मलाकाइट कॉरलिनियन एमेथिस्ट गोल्डन टोपाज टर्कवाइज नीलम पन्ना, वो सब स्टोन टाइप के थे जो यहाँ से निकाले गए। देखिए पूरा बिल्डिंग ऐसा ही है। देखिए आप, और मार्बल के ऊपर काम देखिए आप, बाहर की तरफ जो मार्बल का है वो वहाँ से भी ट्रांसल्यूशन हो रहा है। क्वालिटी होता मार्बल का, ये वाइट मार्बल का पीछे से आप लाइट लगाएंगे तो आपको लाइट ट्रांसमिट नज़र आएगी।
बाकी और कहीं का आपको लाइट नहीं दिख रहा होगा, यही आप चमकता हुआ मार्बल आपको यहीं से दिख रहा होगा, बाहर से रोशनी आ रही है, वाइट मार्बल की क्वालिटी यही होती है। और अब चलते हैं बाथ टब की ओर, जहाँ कहते थे साझा नहाता था, ये सब बाथ टब है, साझा यहाँ बैठ कर नहाया जाता है। उसमें फाउंटेन लगा दिए गए हैं अंग्रेजों के टाइम में, और उसी टाइम के फाउंटेन लगे हुए हैं, पूरा बाथ टब था उस टाइम का, और इसमें फाउंटेन लगे हुए हैं, और इसके सामने है पूरा गार्डन, जिसे बोलते हैं चार बाग, अंगूरी गार्डन। ये अंगूर का गुच्छा यहाँ लगे हुए थे, ये अंगूर की बेल है, और ये सब गार्डन्स हैं, उसको बोला जाता था अंगूरी गार्डन। अंगूरी गार्डन इसलिए क्योंकि शाही परिवार में काफ़ी लोगों को वाइन पीने का शौक़ था, और उस टाइम में दारू अंगूर से ही बनती थी, और आज कहते भी तो हैं अंगूर की बेटी हूँ, शायद तभी से नाम पड़ा हो। पहले हमने देखा था रोशन आरा का महल रूम, और ये है जहान आरा, जो सांझा की सबसे खूबसूरत बेटी में से एक थी, जहान आरा का महल था, और जहान आरा का महल जो है वाइट मार्बल से कवर किया हुआ है। यहाँ से भी ताजमहल आप देख सकते हैं, और ये लिखा हुआ है जहान आरा का नाम, देखिए। और आइए चलते हैं, आपको दिखाते हैं वो जगह जहाँ शाहजहाँ को कैद किया गया था, और जहाँ से वो ताजमहल को देखा सकता था। ये है वो जगह जहाँ शाहजहाँ को कैद किया गया था। हम अभी बैक साइड से है, तो आपको दिख रहा होगा पूरा मीनाकारी का काम है, लेबर का भी देख सकते हैं। स्टोन जो है मून लाइट और सन लाइट में ग्लो करते हैं, ये देखिए सब स्टोन्स हैं जो ग्लोइंग करते हैं। ये मार्बल के अंदर इल्ले किए हुए हैं, इसलिए इसको अंग्रेज नहीं निकाल पाए, और बाहर जो लगे हुए थे जो फिक्स ऊपर से फिक्स किए गए थे उनको निकाल लिया गया था अंग्रेजों ने। और यहाँ से भी आप देख सकते हो ताजमहल का पूरा वो नज़ारा, ये देखिए आप, बारिश की वजह से आपको क्लियर नज़र नहीं आएगा, ये बारिश बाहर बहुत तेज़ हो रखी है, ये देखिए। इतना कोशिश होता है मैं करता हूँ क्लियर आपको दिखने में मिले। मैं अपने कैमरे से आपको अंदर के नज़ारे के दिखाने की कोशिश करूँगा, और ये सामने जो देख रहे हैं ये फुहारा लगा हुआ है, उसके सामने ही ठीक वाटर टैंक बना हुआ है, वहाँ से पानी को छोड़ा जाता था और एक फाउंटेन चलता था। वो इसलिए जब साझा को गर्मी लगती थी तो उसका ख्याल रखा गया था पानी के सहारे, क्योंकि उस टाइम में भी आगरा की गर्मी बहुत तेज़ पड़ा करती थी और आज भी बहुत तेज़ है। पानी से ठंडक बनी रहे और वो वहाँ से मुमताज़ को निहारता रहे, ये देखिए सब कमरे वहाँ तक। अभी सबको बैरिकेटिंग कर दिया है, जाल वगैरह लगा दिया है, सबको टूरिस्ट के लिए बंद कर दिया गया है इस जगह को। और अब हम चलेंगे इसके ठीक सामने, जहाँ से मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि अंदर से कैसा दिखता है। इस जगह का नाम है मुसम्मन बुर्ज और झरोका, ये इसके बारे में लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। अगर ज़्यादा देर आप पढ़ाऊँगा तो आप बोर हो जाएंगे, तो उसका आप स्क्रीन शॉट लेकर आप पढ़ सकते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। और चलते हैं हम अंदर की ओर, जहाँ से आप देखेंगे कि साझा किस जगह से कैद था और किस जगह से अपना ताजमहल को देखा करता था। जब वो कैद हुआ था 1958 जब वो कैद हुआ था 1558 में, ये वो जगह है जहाँ वो कैद किया गया था। काफ़ी खूबसूरत है, आप देखिए पिलर्स पर भी काफ़ी इनले वर्क पेविंग का काम किया हुआ है उस टाइम में, एक से एक नक्काशी आप देख सकते हैं। ये देखिए आप कि यहाँ से मैं आपको दिखाऊंगा आपको ताजमहल कैसे दिखता है, तो देखिए ताजमहल का एंट्रेंस गेट आपको यहाँ से नज़र आएगा, वाटर टैंक, और वाटर टैंक के साथ साथ यहाँ से पानी छोड़ा जाता था फुहारे के लिए। ये देखिए आप फुहारे से पानी आता था, यहाँ से पानी चलता हुआ आया करता था इस चरण में, और नदी है, और सामने आप देख सकते हैं ये जो फुहारा है जो चलता था। स्थान जहाँ कहते हैं मीना बाज़ार लगा करता था शाहजहाँ के टाइम में, मीना बाज़ार कहा जाता है इस तालाब में, अभी तो उसको गार्डन बना दिया गया है। यहाँ एक तालाब था जिसमें दुनिया की सबसे नायाब मछलियाँ पला करती थी, और साइड्स में ये जो आप गलियारा देख रहे हैं
वो सब पूरा बाज़ार लगता था। यहीं पर ही शाहजहाँ और मुमताज़ की मुलाकात पहली बार हुई थी, क्योंकि मुमताज़ जो थी ईरान की थी, पर्शियन, और शाहजहाँ यहाँ शॉपिंग के लिए घूम रहे थे, क्योंकि उनका पर्सनल बाज़ार लगता था। यहीं उनकी मुलाकात मुमताज़ से हुई थी और जिनको वह देख कर दिल दे बैठे, और शाहजहाँ को ताजमहल भी बनाना पड़ा, खर्चा भी काफ़ी हो गया उनका। तो कहते हैं मोहब्बत में तो सब कुछ लुट जाता है, शाहजहाँ ने इसका प्रमाण भी दे दिया, और जिस पर हम आज काम करते हैं। मैं भी आपको वहीं मिलूँगा, हमको रोज़गार देकर भी गए। अगर ताजमहल बना है, हम लोगों को रोज़गार मिला है, कोई ताजमहल का, मैं एक फ़ोटोग्राफ़र हूँ, रोज़गार भी मिला है आज के दौर के हिसाब से। अगर उन्होंने उस टाइम पे मोहब्बत में खर्चा नहीं किया होता तो शायद हम लोगों को रोज़गार नहीं मिलता। धन्यवाद शाहजहाँ जी, जो आपने मुमताज़ से शादी की है। दीवाने खास का खास नज़ारा, यहीं पर ही सीक्रेट डिसीजन लिया करते थे। इनके ठीक सामने आप देखेंगे तो एक जो सिंहासन रखा हुआ है ब्लैक मार्बल का, उसके ठीक अपोजिट साइड में एक है वाइट मार्बल का। ब्लैक वाले मार्बल पर राजा बैठा करते थे और उनके ठीक सामने उनके प्रधानमंत्री, और यहाँ साइड्स में खड़े रहते थे उनके द्वारपाल और भी मंत्रीगण जो उनके खास हुआ करते थे। यहाँ सिर्फ सीक्रेट मीटिंग हुआ करती थी, और इस ब्लैक ऑनेक्स के ऊपर एक निशान भी है, वो आपको मैं दिखा देता हूँ वो क्यों है। गीले होने की वजह से वो निशान स्टेल पर नज़र नहीं आ रहा है, पर उस निशान का असर आप देख सकते हैं। ये पूरा क्रैक्स पड़ा हुआ है टेबल पर, पूरा एक मार्बल का एक पीस का बना हुआ है, करीब करीब ये काफ़ी लंबा चौड़ा है। वो इसलिए क्योंकि सामने बताते हैं, और सामने इस पुल के ऊपर से आगरा का जो पुल है, वहाँ से अंग्रेज़ों ने जब हमला किया था तोप से, तो वहाँ का तोप का गोला इस टेबल पर आकर टकराया, टेबल के टुकड़े हुए, और सामने जो होल हो रखा है मैं आपको दिखा देता हूँ, इस होल में जाकर घुस गया था वो होल, क्योंकि आज इसमें पक्षी इन्होंने अपना घर बना लिया है, ये वाला है। अभी हम जा रहे हैं अंदर की ओर, और अंदर की ओर हमने देखा एक बोर्ड लगा है, इस पर लिखा हुआ है मीना मस्जिद, मीना मॉस्क, जिसमें शाहजहाँ नमाज पढ़ा करता था। इसको आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने बंद कर दिया गया है। ये इसकी व्यक्तिगत मस्जिद थी, पर्सनल मस्जिद बोल सकते हैं इसको आप। ये है शाही हवाम, इसको बाथरूम भी बोलते हैं, इसको अभी बंद कर दिया गया है। ये नगीना मस्जिद, जिसको अभी बंद कर दिया गया है अभी लोकल टूरिस्ट के लिए, अगर कोई जाना चाहता है तो जा सकता है, टूरिस्ट के लिए ही बंद है। और नगीना मस्जिद इसको बोलते हैं, यहाँ ज़्यादातर लेडीज को नमाज पढ़ने की इजाज़त थी। दुनिया की सबसे खूबसूरत मस्जिदों में से एक है मोती मस्जिद, ऐसा कहते हैं। एशिया की जो सबसे खूबसूरत मस्जिद है वो है मोती मस्जिद, जिसको अभी बंद कर दिया गया है, सुरक्षा कारणों से एएसआई डिपार्टमेंट ने बंद कर रखा है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने। तो यह मस्जिद का नज़ारा है, ऊपर से आप देख सकते हैं टोटली वाइट मार्बल का बना हुआ है, बाहर की ओर से आप देख सकते हैं ये नज़ारा है। सामने बिल्कुल ठीक सामने इसके गेट है, यहाँ से हमने एंट्रेंस किया था वो ठीक सामने खुलता है जाके, यहाँ से हम बाहर की ओर चलेंगे। हो गई स्टार्ट, हो गई आवाज़ तो आ गई। दीवाने आम कोर्ट ऑफ लोकल पब्लिक, सामने है एक विशाल काय कुआ, तो बावली दीवाने आम भी कह सकते हैं, और लिखा हुआ भी नाम है इसको, अब जाली से बंद कर दिया गया है। तो उसके अंदर आप देखेंगे तो ये काफ़ी गहरा भी नहीं है, करीब करीब वैसी होगा कोई 50 से 60 फीट गहरा, पानी के लिए यूज़ करते थे पीने के लिए, अभी इसको बंद कर दिया गया है।